वेलकम टू माय चैनल। स्टूडियो में बात करेंगे बायो कैटलिस्ट के बारे में। बायो कैटलिस्ट एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो किसी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने में या तेज़ करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका यूनिक एस्पेक्ट ये है कि ये एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बायो कैटलिस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस को नकल करते हैं और केमिकल रिएक्शंस को तेज़ और एफिशिएंट बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी होता है जैसे कि फूड प्रोडक्शन और बायोफ्यूल्स बनाने में वगैरह वगैरह। बात की जाए बायो कैटलिस्ट के यूज़ की, तो इसके यूज़ में जैसे कि कायरल कंपाउंड्स है। कायरल कंपाउंड्स एसमेट्रिक कार्बन एटम से मिलते हैं जो कि राइट और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्स में होते हैं। बायो कैटलिस्ट इन कंपाउंड्स की सिलेक्टिव प्रोडक्शन में मदद करते हैं जिससे डिजायर्ड फॉर्म को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज है जो एक कॉमन बायो कैटलिस्ट है। ये इंजाइम फैट को ब्रेक करता है और इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है। इसके अलावा प्रोटीज इंजाइम भी एक बायो कैटलिस्ट है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है और इसका इस्तेमाल लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में होता है स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। बायो कैटलिस्ट के इस्तेमाल से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग होते हैं और केमिकल्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं। आई होप सो आपको बायो कैटलिस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।